हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय और आज मैं आपको बताऊंगा एंड्रॉयड मोबाइल की शॉर्टिंग के बारे में। ठीक है फ्रेंड, हमारे फ़ोन में शॉर्टिंग आती है वो कैसे पता लगाएं कि ये फ़ोन हाफ शॉर्ट है कि फुल शॉर्ट है, ठीक है, और उसको कैसे इसका सलूशन करें, कैसे इसको ठीक करें, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड, जो हमारे आज के फ़ोन है अगर वो डेड हो जाते हैं, बैटरी लगाने से भी ऑन नहीं हो रहे, चार्जिंग से भी ऑन नहीं हो रहे, बैटरी हमने चार्ज कर दी, बूस्ट कर दी, फिर भी ऑन नहीं हो रहे, तो वो ऑन नहीं होता क्योंकि फ्रेंड वो शॉर्ट होते हैं। तो कैसे पता लगाएं कि फ़ोन में शॉर्टिंग है कि हाफ है कि फुल है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारे पास है एक सैमसंग का बोर्ड है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करें। फ्रेंड, पहले आप मल्टीमीटर को लीजिए, मल्टीमीटर को बीप बजर मोड पर करिए, उसके बाद आपको रेड इसमें जो प्लस माइनस होता है बैटरी कनेक्टर पर, जहाँ बैटरी लगाते हैं उसका प्लस माइनस आप चेक करिए, ठीक है। अगर ये शॉर्ट होगा, अगर ये हाफ शॉर्ट होता है तो इसमें यहाँ पे कुछ आना नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल अभी तो इसमें कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है, ये अभी कुछ आ नहीं रहा तो ठीक है। अगर इसमें यहाँ पे कुछ रीडिंग आती या बीप की आवाज़ आती तो ये शॉर्ट होता, ठीक है, अगर इसे बीप की आवाज़ आए तो। और देखिए, अगर इस साइड भी इसमें रीडिंग आनी चाहिए 350 के आसपास तक, अगर वो भी नहीं आती है तो ये हाफ शॉर्ट है। देखिए, 3.5 तक आ रही है, तो फ्रेंड अभी ये फ़ोन ठीक है, ओके। अगर यहाँ बीप आती थी तो या 1000 तक की आती तो ये हाफ शॉर्ट होता। तो फ्रेंड, ये होता है चेक करने का तरीका कि कैसे पता लगाएंगे फ़ोन ये शॉर्ट है या नहीं है। अगर दोनों तरफ फिर से बता दूँ, अगर एक साइड कुछ नहीं बताना चाहिए तो ठीक है, अगर उस साइड बीप आ रही है तो शॉर्ट है। अगर दोनों तरफ, अगर यहाँ भी बीप आ रही है और यहाँ बदलने के बाद भी बीप आ रही है तो ये फुल शॉर्ट है, ठीक है। और अगर यहाँ भी रीडिंग आ रही है और दोनों तरफ भी रीडिंग आ रही है तो ये हाफ शॉर्ट है। तो फ्रेंड, इसको ठीक कैसे करना है, क्या शॉर्ट होगा, मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड, ज़्यादातर इसमें क्या होता है, इसमें हमें कैपेसिटर पर डाउट करना होता है। कैपेसिटर के अलावा रेजिस्टेंस भी हमारे शॉर्ट हो सकते हैं, और जो हमारे चार्जिंग का जैक है ये भी हमारा शॉर्ट हो सकता है, इसलिए हमें इन तीन चीज़ों पर डाउट करना है। और फ्रेंड, इसमें कॉइल लगी होती हैं छोटी छोटी काली काली, फिलहाल वो तो बहुत कम चांस है उनके ख़राब होने के। तो पहले फ्रेंड हमको कैपेसिटर पे ही ध्यान देना है, जो हमारे कैपेसिटर जो यहाँ लगे होते हैं, दिखा देता हूँ आपको। फ्रेंड देखिए, जो ये कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं, जितने भी लगे हैं कैपेसिटर, ये सारे छोटे छोटे लगे हैं पीले वाले, इन पे आपको डाउट करना है। वो कैसे पता लगेगा, अगर फ्रेंड इसमें आपको एक तरफ बीप आएगी और एक तरफ रीडिंग आएगी, ठीक है, अगर रीडिंग आती है और एक तरफ बीप आती है तो वो कैपेसिटर सही है। अगर दोनों तरफ कैपेसिटर की बीप आ रही है तो वो कैपेसिटर ख़राब है। अगर मान लीजिए आप एक सेक्शन में चार पांच कैपेसिटर में से बीप के बाद दोनों तरफ से आ रही है, तो उन चार पांच में से फ्रेंड एक ही कैपेसिटर होगा तो ख़राब होगा। आपको चार के पाँचों सारे निकाल लेने, उसके बाद चेक करिए, फिर आप एक एक करके सारे कैपेसिटर बाहर से उसको चेक करिए। अगर दोनों तरफ बीप करेगा वो, तो वही कैपेसिटर ख़राब है, आप उसको अलग कर दीजिए और बाकी चेक करिए वो ठीक होंगे, तो उनको वापस लगा दीजिए जहाँ से आपने निकाले थे। या आप ऐसे कर लीजिए, अब एक एक करके चेक करिए तो वापस लगा दीजिए, फिर एक निकालिए वापस लगा दीजिए, ऐसे करो उधर आसानी रहेगी, आप भूलोगे नहीं कहाँ से मैंने निकाला है, इसलिए आप एक एक करके निकालिए और वापस लगा दीजिए, जिससे आपको आसानी होगी। तो फ्रेंड, आप इसी तरह आप इसमें शॉर्टिंग हटा सकते हो, अगर बाई चांस कैपेसिटर आपके ठीक है। अगर ये भी कारण है रेजिस्टेंस, फ्रेंड रेजिस्टेंस के दोनों तरफ बीप नहीं आनी चाहिए, ये एक तरफ से बीप आए या एक तरफ रीडिंग आए तो ठीक है, अगर दोनों तरफ बीप आ रही है तो रेजिस्टेंस भी ख़राब होता है, ठीक है, उसको भी आपको अगर आप सारे कैपेसिटर चेक कर लिए फिर भी आपको सब शॉर्ट नहीं है कैपेसिटर, तो आप रेजिस्टेंस पर ध्यान दीजिए, उनमें से कोई ना कोई शॉर्ट होगा। अगर वो सब भी ठीक है तो आपको बैटरी चार्जिंग का जैक होता है इसको निकाल के करिए, देखना ये भी आपका शॉर्ट होता है, तो इससे भी आपकी शॉर्टिंग चली जाएगी। वैसे डाउट तो फ्रेंड हमको ज़्यादातर कैपेसिटर पर करना है, यही ज़्यादातर ख़राब होते हैं, इसलिए हमको इन सब पे ध्यान देना है। और ये शॉर्टिंग कैसे आती है फ्रेंड, कभी कभी ओवर चार्जिंग की वजह से या अचानक की लाइट आ जाए, फ़ोन चार्जिंग पर लगा हुआ है, तो उससे भी फ़ोन शॉर्ट हो सकता है, इसलिए आप फोन को वो लाइट चली जाए तो आप फ़ोन को निकाल दीजिए, लगा के मत छोड़ना, वरना शॉर्टिंग हो सकती है। या और रात में ला के आप सो जाते हो, ऊपर से सुबह तक चार्ज हो रहा है, जब भी आपके फ़ोन में शॉर्टिंग हो सकती है, या गिर जब जाए आपको फ़ोन गिर जाता है उसके बाद भी शॉर्टिंग हो सकती है, या पानी वाटर डैमेज हो फिर भी शॉर्टिंग हो सकती है। तो फिर इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, और अगर आपको रिपेयर करना है तो आपको कैपेसिटर रेजिस्टेंस पे ही ज़्यादा आपको ध्यान देना है, तभी आपकी शॉर्टिंग हटेगी, ठीक है। अगर फिर भी अगर नहीं हटती है, अगर बाई चांस अगर कैपेसिटर सेटअप कर लिया फिर भी नहीं हटी, तो आपको आईसी पे ध्यान देना, ज़्यादातर फ्लैश आईसी या पावर आईसी पे आपको डाउट करना है, ठीक है। तो देखिए, तो ये था हमारा चार्जिंग, इसमें
शॉर्टिंग का, कि आपको हाफ शॉर्टिंग कैसे पता लगाए और फुल शॉर्टिंग, ठीक है। मैं फिर बता देता हूँ, अगर दो यहाँ पे अगर रीडिंग आ रही है 300 350 तो ठीक है, अगर एक तरफ तो ठीक है, अगर दूसरी तरफ रीडिंग नहीं आ रही है तो फोन ठीक है, हमारा शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी अगर दोनों तरफ यहाँ भी बीप आ रही है वहाँ भी बीप आ रही है तो फोन फुल शॉर्ट है, और अगर एक तरफ बीप आ रही है और एक तरफ रीडिंग आ रही है तो फोन हाफ शॉर्ट है, ठीक है। अगर दोनों तरफ रीडिंग आ रही है तब भी हाफ शॉर्ट है। और तो ये था हमारा शॉर्टिंग का, ठीक है। तो कैसे हम पता लगे शॉर्टिंग कैसे है, तो फ्रेंड मैंने आपको आज एंड्रॉइड के बारे में बताया। वैसे मैं आप ज़्यादातर मैं आईफोन पे ही काम करता हूँ, इसलिए मेरे को एंड्रॉइड के बारे में आज मैंने आपको कुछ बताया कि जो मेन चीज़ है शॉर्टिंग की, इसे कैसे निकालें, कि बहुत से कारीगर रिटर्न कर देते हैं, आप रिटर्न मत करिए। आप ज़्यादातर कैपेसिटर पे ही ध्यान दीजिए, दोनों तरफ बीप आए जिस कैपेसिटर में आप उसको निकाल दीजिए, देखना आपका बोर्ड 100% ओके हो जाएगा। वैसे कैपेसिटर खराब हो तो निकाल दो, अगर लगाओगे नहीं तो फिर भी आपका काम चलता रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप कैपेसिटर पे जाकर चेक करना, ठीक है। तो फ्रेंड ये था हमारा कैपेसिटर आज शॉर्टिंग के ऊपर, कि फ़ोन में शॉर्टिंग कैसे पता लगाएं, ठीक है, और कैसे शॉर्टिंग को रिमूव करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही मोबाइल रिपेयरिंग पे वीडियो आपको दिखाता रहूँगा और सिखाता रहूँगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा, चाहे वो आईफोन हो या एंड्रॉइड हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।